एवरीवन, इस वीडियो में देख लेते हैं DCX सिस्टम्स लिमिटेड को। तो कल ही स्टॉक का रिजल्ट आया है और यही रीज़न है कि स्टॉक के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे हैं, स्टॉक फॉल होते हुए दिखाए। क्विकली चार्ट एनालाइज कर लेते हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चार्ट में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक ऑलमोस्ट कल 6.5% के अराउंड गिरा है। यहाँ से स्टॉक को ड्रॉप देखने को मिला है, ड्रॉप आते ही स्टॉक ने ऑलमोस्ट यहाँ तक की रैली तो दिखा दी है। अब अगर मंडे को मार्केट खुलता है और अगर फर्दर इसमें सेलिंग प्रेशर बनता है तो ये इसका आप देख रहे होंगे एक सपोर्ट जोन है। क्यों? क्योंकि यहीं पे आप देखोगे तो फिबोनाची के लेवल्स भी आ रहे हैं और एक सपोर्ट भी निकल के आ रहा है, पुराना सपोर्ट है यहाँ पर भी है। इसीलिए ये सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है अगर DCX सिस्टम्स को ऊपर की रैली दिखानी है इन फ्यूचर। तो अगर यहाँ कंसोलिडेशन भी कर लेता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ अगर स्टॉक फॉल होता है तो फिर फर्दर स्टॉक का जो सपोर्ट निकल जाएंगे वो इस लेवल के अराउंड निकलेंगे। तो यहाँ तक की रैली दिखा सकता है स्टॉक 228 तक का आने वाले दिनों में, तो स्टॉक का ये लेवल दिख सकता है। फिलहाल के लिए तो ऊपर के ऐसी दिशा तो दिख नहीं रही है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देखो ईयर ऑन ईयर इनका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो कम ही हो रहा है। तो यही रीज़न है कि स्टॉक अब थोड़ा स्लगिश मोड में चला जाएगा और यहाँ कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है आपको, और ये इसी रेंज में रह सकता है अगर सपोर्ट ये इसका सस्टेन कर गया तो। फर्दर आपको ये लेवल देखने को मिलेगा, तो उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं आप बाइंग की। और बाइंग तभी करिए जब स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर जाए, क्योंकि अभी हाल ही में रिजल्ट आए हैं तो सेलिंग प्रेशर देखने को तो मिलेगा ही। एक नज़र रिजल्ट पे मार लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप रिज़ल्ट देख रहे होगे DCX सिस्टम के, तो आप पाओगे कि सेल्स बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। 170 CR की सेल रही हैं जो मार्च के क्वार्टर में 510 CR की थी और उसके पहले 355 CR। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत रही है, इसी वजह से नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। एक्सपेंसेस देखोगे आप कंपनी के तो 162 CR के हैं, और इसके बाद OPM परसेंट काफ़ी गिर गया है, 4% आए। क्यों? क्योंकि रिजल्ट ही अच्छी नहीं है तो सारी चीज़ें गिरेंगी। इंटरेस्ट बढ़ गया है कंपनी का, 7 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। टैक्सेस आप देखोगे ठीक ही हैं, टैक्सेस उतने ज़्यादा कम नहीं है। नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिलेगा आपको, 9.85 CR का रहा है, उसके पहले ये 41 CR था, उसके पहले 17। तो ये रीज़न है कहीं ना कहीं कि DCX सिस्टम आने वाले दिनों में कुछ आपको सेलिंग प्रेशर नज़र आ सकता है, क्योंकि फर्दर जिस हिसाब से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर नज़र आया कल के दिन 7% का, यही रीज़न है कि स्टॉक को अब थोड़े ऊपर जाने में दिक्कत होने वाली है। जो वी शेप की इसकी रिकवरी थी, ये वी शेप की रिकवरी सही हुई थी इसकी, स्टॉक लेवल तक पहुंच ही रहा था अगर सारी चीज़ें सही चलती, बट अब रिजल्ट की वजह से स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।